सब ठीक, चुप कर। आप लोग तो कुछ भी नहीं खा रहे हैं। हाँ, अभी लिया तो। सिर्फ लड्डू लेने से कैसे चलेगा, एक समोसा भी लीजिए। तुमने बिठाया उन लोगों को? हाँ, बिठा तो दिया है, पर बात कुछ नहीं कर रहे हैं। तू खड़ी रहेगी तो वो लोग बात कैसे करेंगे? अरे दीदी, आप खड़ी क्यों है, बैठिए ना। बैठो बैठो। आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई है आने में? बचपन से ही दोस्त मेरे काफ़ी सारे हैं। दोस्तों के साथ ही हैंग आउट करना पसंद है। स्कूलिंग मेरा कलकत्ता से ही हुआ था, पर आईआईटी करने में दिल्ली गया और उसके बाद जॉब ऑफर हुआ बेंगलुरु में। बस यही सब। और शादी के बाद मैं... आप शादी क्यों करना चाहते हैं? शादी? मम्मी बोली अब शादी कर ही ले। मैंने भी सोचा जॉब तो मिल ही चुकी है तो अब लाइफ में सेटल हो ही जाता हूँ। और तुम अपने बारे में कुछ बताओ। आप लोगों यहाँ सब अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब। कुछ भी तो नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों को मिठाई पसंद नहीं आया। खा रही हो भैया, इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, कितना खाओ बोलिए तो। शुभ को अगर दृष्टि अच्छी लगे, पसंद आ जाए तो आज ही सब फाइनल कर लेंगे। हाँ, आज ही? हाँ, और देर क्यों करना, आप ही बताइए। मेरा मतलब... नहीं, मतलब हम लोगों ने सोचा नहीं था तो सब कुछ इतना जल्दी मैनेज कैसे होगा। चिंता मत करिए आप लोग, सब मैनेज हो जाएगा। नहीं, मैनेज तो हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले दृष्टि क्या चाहती है वो भी तो जानना पड़ेगा ना। मतलब दृष्टि को भी शुभ पसंद आना चाहिए ना। आई हैव ग्रेजुएटेड इन इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। नाउ आई एम टीचिंग इन अ किंडरगार्टन स्कूल एंड आई लव टू सिंग। एक्चुअली मम्मा पापा ने मुझे बड़े नाजों से पाला है, कभी भी किसी बात पर रोक टोक नहीं लगाई, उल्टा उत्साहित ही किया है, इसीलिए मुझे मेरे फ्रीडम से बहुत प्यार है। नहीं नहीं, मतलब वो सब लेकर टेंशन नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि सब इंसान मतलब आज़ादी से अपना जीवन बिताए, पर क्या बोलो तो मैं जब इनफ अर्न कर रहा हूँ तो तुम अर्निंग का उतना प्रेशर नहीं भी ले सकती हूँ। मतलब ये तुम्हारा अपना डिसीजन होगा, वो सब लेकर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ज़रा सोचो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मतलब आई वोंट लाइक अगर खामखा तुमको स्ट्रगल करना पड़े। बेटी को बहुत बहुत ही लाड प्यार से पाला है। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, आपकी बेटी को हम अपनी बेटी जैसे ही रखेंगे। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा ही लग रहा है। मुझे लगता है दृष्टि आपके घर में सुखी रहेगी। और हम लोगों की वैसी कोई डिमांड भी नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं एक सुंदर सुशील लड़की हमारे घर की बहू बन जाए, क्या कहते हो? बस इतना कह सकती हूँ, मेरी बेटी बहुत हुनहार है, बहुत समझदार है। वो मैं आपकी लड़की को देखकर पहले ही समझ गई थी, बस ये शादी हो जाए, हम लोगों की और कुछ भी डिमांड नहीं है। वैसे भी आपकी एक ही लड़की है, आप लोग भी चाहेंगे उसे कुछ देना, खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे, उसको लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मैं क्या चाहता हूँ बोलो तो, शादी मतलब तो सिर्फ प्यार नहीं, एक लड़की को अपना सब कुछ छोड़कर एक नए परिवार में आना पड़ता है, एक ऐसी लड़की जो परिवार में सबके साथ एडजस्ट कर पाए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम समझ पा रही हो ना? आई मीन मेरे
मम्मी पापा को जो मान के चले। मैं चाहता हूँ शादी से पहले सब कुछ क्लियर जान लेना बेटर। उसमें मेरे मन में भी सवाल नहीं रहेगा और तुम जो भी जानना चाहोगी जान पाओगी। सुनो, इससे पहले मेरी 3 गर्लफ्रेंड्स थी। वो जो होता है, एक साथ घूमना फिरना, मूवीज जाना, डेट करना, वही सब कुछ। ज्यादा दिन नहीं टिका। एक भी नहीं टिकी? नहीं नहीं नहीं, इट वाजंट सो सीरियस एक्चुअली। उम्र का जो दोष होता है वो कह सकती हो, लेकिन तुम्हारा क्या इससे पहले कोई? हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड था। ओह। उसके बाद उसका बाहर जॉब लग गया, फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया वो मुझसे कांटेक्ट कम कर रहा था। सडनली एक दिन उसने मुझे बताया कि उसे कोई और पसंद आने लगी है, वही उसकी ऑफिस की कोई कलीग थी। अच्छा, तो तुम दोनों के बीच मतलब रिलेशन कितने दिन का था? लगभग 3 साल। अच्छा, मुझे लगता है शादी का मामला है, वी शुड बी मोर क्लियर अबाउट एवरीथिंग। आई होप यू वोंट माइंड। हाँ हाँ, यू कैन आस्क मी। मैं कहना चाहता हूँ तुम दोनों के बीच क्या कुछ हुआ था? मैं वर्जिन हो कि नहीं ये जानना चाहते हैं आप? मुझे लगता है मेरा ये जानना जरूरी है। और अगर मैं वर्जिन ना हुई? लड़कियों की चरित्र ही उनका पहचान है। तो मेरी पहचान क्या है? दृष्टि को बचपन से बहुत जतन से पाला है, अच्छे बुरे का समझ है उसे, और मुझे भरोसा है कोई गलत फैसला वो नहीं लेगी। आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक समझ नहीं पाया। जो सब लड़कियां शादी से पहले प्रीमैरिटल सेक्स करती है, समाज के दृष्टिकोण से वो सब काफी गलत कर रही है, और एक सभ्य लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? आप और क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ एक लड़की अपने पति के लिए खुद को संभाल कर रखे पूरी तरह, वो बाद में जाकर अपने पति को क्या मुंह दिखाएगी? आपने अभी भी मेरे पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर मैं वर्जिन ना हूं तो फिर और क्या? मुझे आज मजबूर होकर ना बोलना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं ऐसे किसी से शादी नहीं करूंगा। मैं किसी का लेफ्ट ओवर या झूठा खाने नहीं आया हूं, और मैं ऐसे किसी लड़की को डेट भी नहीं करूंगा जो वर्जिन नहीं है। और ये मेरी बिल्कुल निजी सोच है। शादी का ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसको काफी सीरियसली लेना चाहिए, और ये उम्र भर का साथ है, तो मैं ऐसा किसी के साथ अपना पूरा जीवन नहीं बिताना चाहूंगा। अच्छा, तुम बोलो, क्या तुम कर पाओगी किसी और के प्लेट से उठाकर किसी और का झूठा खाना जहां कोई और थूक गया है? मुझे डाउट है तुम वो खाना चाहोगे कि नहीं। एक्चुअली यू वोंट, एंड इट्स द सेम कॉन्सेप्ट। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इस बात पे, ना मैं ही बोल दूंगी, क्योंकि देखिए पास्ट सबका होता है एंड इट्स वेरी नेचुरल। जब कोई किसी को दिल से चाहती है तो वो कोई कैलकुलेशंस नहीं करती कि वो कितना खुद को सौंपे और कितना नहीं, तब वो सिर्फ प्यार करती है। और जो लड़के लड़कियों को उनके पास के बेसिस पे जज करते हैं, मैं नहीं चाहती मैं ऐसे किसी लड़के के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊँ। एंड कमिंग टू अ गर्ल्स पास्ट, अगर कोई लड़का किसी लड़की को चीट करता है तो इसमें उस लड़की की क्या गलती है? वो लड़का उसे डिजर्व ही नहीं करता, वो तो सिर्फ प्यार कर रही थी ना। और मुझे लगता है मैं जो हूँ, कोई लड़का मुझे शादी करे तो वैसे ही करे, अ वर्जिन और नॉट अ वर्जिन इस बेसिस पे नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम इज नॉट वर्जिनिटी, प्रॉब्लम है तुम जैसे लड़कों की मेंटालिटी। दरअसल मैं वर्जिन ही हूँ, पर आज तुम जैसे लड़कों को मैं यही कहूँगी That I am not a virgin. और हाँ,
लंच करके जाइएगा।